हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस गीज़र को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, इस गीज़र में असेंबली टूट चुकी है, जिसके कारण इसका टैंक फुल नहीं हो पाता है और पानी स्टोरेज ना होने के कारण इसके गीज़र की रॉड जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असेंबली को चेंज करके और रॉड को लगाएंगे। रॉड लगाने के बाद पूरे कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आप देख सकते हैं असेंबली खोल दी है मैंने और इसकी जो रॉड होती है इनपुट और आउटपुट की, वो दोनों रॉड टूट चुके हैं। टूटने के कारण इसको पानी स्टोरेज नहीं हो पा रहा था, तो हम इसकी असेंबली को चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये नई असेंबली है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें फुल रॉड लगी हुई है इनपुट रॉड आउटपुट की, जिससे पानी स्टोरेज होने के बाद फुल टैंक बनने के बाद ही पानी इसमें से सप्लाई होगा और रॉड हमेशा डूबी रहती है और ख़राब भी नहीं होगी। दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कि टैंक के अंदर डस्ट और गंदगी बहुत जमा थी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस टैंक को साफ करना होगा। तो फ्रेंड्स, दोस्तों असेंबली से पहले हमें इसकी पैकिंग लगानी पड़ेगी, जिससे लीकेजिंग ना आए पानी की। ओके फ्रेंड्स, तो असेंबली को जितने भी पेच लगे हुए हैं उनको बराबर कसना है, फुल टाइट करना है। फुल टाइट करने के बाद हम इसके रॉड को लगाते हैं इसके अंदर
रॉड को लगाने से पहले रॉड की पैकिंग लगानी पड़ेगी इसमें, जिससे ये भी पानी लीकेज ना करे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रॉड हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसमें थर्मोस्टेट लगाएंगे इसको बाईपास करने के लिए, जिससे हमारा पानी मैक्सिमम हीट होने के बाद ये गीजर अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। जो थर्मोस्टेट में रेड कलर की वायर है, इसी थर्मोस्टेट से होकर गीजर की रॉड में इस तार को जोड़ना है, जिससे थर्मोस्टेट से होकर ही इसके अंदर करंट आए और थर्मोस्टेट पानी ज़्यादा हीट होने के बाद इस रॉड को ऑफ कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमने दो इंडिकेटर लगाए हैं। एक इंडिकेटर, तो जो एक इंडिकेटर है उसका कनेक्शन सीधा रॉड से कनेक्ट होगा, जिससे गीजर की रॉड जब चले जब ही वो लाइट जलेगी। और दूसरे इंडिकेटर का कनेक्शन सीधा मेन से होगा, जो कि रॉड बंद हो जाए तो उस वो लाइट जलती रहे हमेशा और हमें पता लग सके कि हमारे गीजर में मेन लाइन से करंट पहुँच रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों इंडिकेटर कनेक्शन इसी तरह से किए जाते हैं, पहला इंडिकेटर रॉड के साथ, दूसरा इंडिकेटर मेन वायर के साथ। दोस्तों, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाली नई नई वीडियो आपको दिखा सकूं। ओके फ्रेंड्स। ये इस थर्मोस्टेट में हमने दूसरी साइड से अपने मेन की न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है, जिसमें कि इंडिकेटर का भी वायर जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिकेटर का वायर उसी तरह से जुड़ेगा न्यूट्रल एंड फेस, और दूसरे इंडिकेटर का वायर सीधा गीजर की रॉड में। कुछ नहीं देखना है, सिंपल कनेक्शन है बिल्कुल। और जो दूसरी मेन की वायर है, फेस की वायर, वो सीधा रॉड से कनेक्ट कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो दो ब्लैक कलर की तारें हमने निकाली है, यही हमारी दोनों न्यूट्रल फेस है। सिर्फ मैं आपको चेकिंग के लिए समझा रहा हूँ, बाकी का आप इसमें थ्री कोर की लीड भी लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह की वायर भी लगा सकते हैं, दो वायर से कनेक्शन करके। और आप देख सकते हैं, मैं आपको कनेक्शन चालू करके दिखा देता हूँ। दोनों इंडिकेटर
ऑन हो जाएंगे गीजर चलने के बाद। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।